माननीय हमारे क्रांति इधर हमारी बहनें बैठी हैं माननीय बहन कमला साकेत जी और इधर सरोज कोल जी, माननीय हमारे इधर एडवोकेट माननीय रामानुज सोंधिया जी, माननीय प्रभात वर्मा जी, माननीय आर एस वर्मा जी, आप सभी आए और महापुरुषों की छाया चित्र पर कुछ प्रस्तुत करें। प्रियंका पटेल जी आप भी आए, माननीय हमारे मिश्रा जी आप भी आए, आप भी महापुरुषों को सपना से हमारे माननीय महिला साकेत जी महिला पटेल जी आप भी आए और सपना से ही माननीय देवराज अहिवार जी आप भी आए और सपना से ही जिला पंचायत की सदस्य माननीय नागेश सिंह लल्लू जी आप भी आए। महापुरुषों की छाया चित्र कुछ प्रस्तुत करें। माननीय हमारे जेठलाल भाई जी आप भी आए। महापुरुषों की छाया चित्र कुछ प्रस्तुत करें। बहुजन का हो राजा, बहुजन का हो राजा, जिसे कहते हैं काम सीरा, तो फूले का फूले का फूले का फूले का फूले का है ए भाई। अरे मैं तो फूले का दीवाना बनूंगा क्योंकि आ जाए रमाकांत पीपल साहब का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा और पिछड़ों को जगाऊंगा, ऐसे मैं तो जाऊंगा अरे पिछड़ों को जगाऊंगा क्योंकि आया है मुल्ला का नाम। अरे बिना रह पर है काशी, मैं तो फूले का दीवाना बनूंगा क्योंकि आया है मुल्ला का नाम। ऐसे मैं तो जाऊंगा जो को जगाऊंगा, ऐसे मैं तो जाऊंगा जो को जगाऊंगा, आया है अरे आया है अरे आया है मुल्ला का नाम। क्या बात है। अरे मेरा रहबर है कांसीरा, मेरे बहुजन का हो राजा, हमारे बीच में हमारे ओजस्वी प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पीपल साहब, उनके साथ में हमारे प्रदेश के प्रभारी सम्मानी बाल किशन चौधरी जी, अच्छेलाल कुशवाहा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, छंगेलाल कोल जी जोन प्रभारी रीवा मध्य प्रदेश, और हमारे बीच में सतना से चल के शहीद अहमद जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश जो हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे माननीय विकास पटेल जी जो हमारे जोन के प्रभारी भी हैं,
उमाकांत बंदेवार जी, माननीय शीला त्यागी जी पूर्व विधायक मंगमा, मैं सबका एक कसम खा के जाइए, वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश हमारा हो और 24 में हम अपने बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का सपना लेकर के जाएं। ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए आप सबका पुनः बहुत बहुत सम्मान करते हुए अपना पूरा समय अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं, समय भी हो चुका है। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब के बाद हम सबके अधिकारों के लिए, हम सबके अत्याचार के खिलाफ, हम सबको जबरदस्त राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने वाले और हम सबके लिए अपना जीवन कुर्बान करने वाले मानवर कांसी राम साहब ही एक ऐसे महापुरुष थे जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी महत्वपूर्ण बातों के लिए, और एक उन्होंने लोहे की जो साइकिल होती है उन्होंने पूरे देश में बार बार चलाकर आज कांग्रेस जो है उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उभरने के लिए आज वो संघर्ष कर रही है। और रही बात भाजपा की, तो आप सब परिचित है कितने झूठे धोखेबाज लोग हैं। हम सबका उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है, अगर हम मानवर कांशीराम साहब के सच्चे सिपाही हैं तो हम सारे लोगों को आज उनके जयंती पर संकल्प लेकर जाना होगा कि उन्होंने सपना देखा था हम सबको आपको हुक्मरान बनाने का। और उन्होंने एक चिंता जाहिर की थी कि हम बहुसंख्यक लोग हैं और हमारे ऊपर अल्पसंख्यक लोग राज कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों को संजोने संवारने की आरक्षण की जरूरत होती है और बहुसंख्यक लोग राज करते हैं, लेकिन धन है भारत की धरती, यह हमेशा से उल्टा होता आया है। बहुसंख्यक पीड़ित है और अन्य अत्याचार से पीड़ित है, लाचार है, गुलाम है, महंगाई की मार झेल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है और मुट्ठी भर लोग, अल्पसंख्यक लोग इस देश में राज कर रहे हैं। आज आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मानवर कांशीराम साहब ने दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको विधायक सांसद बनाने के लिए, उनके हाथ में हुक्मरान, उनको इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए जिस प्रकार से अपना जीवन कुर्बान किया है, हम सबका उत्तरदायित्व और कर्तव्य बनता है ईमानदार